Goku. Son Goku. कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जिस दिन गोकू पैदा हुआ था। गोकू के पैदा होते ही बारडॉक और जीने ये बात नोटिस करते हैं कि उनका बेटा कैकरॉट बाकी के सेन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसलिए बारडॉक नहीं चाहता था कि किंग वेजिटा को उनके बेटे के बारे में पता चले। इसलिए बारडॉक ने अपने बेटे को एक लो क्लास सेन बताया। उसके बाद बारडॉक गोकू को लेकर अपने घर पर चला जाता है और उसे किंग वेजिटा से छुपा कर रखता है। रेडिट्स इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसका भाई कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक दिन रेडिट्स को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है और उसी वक्त बारडॉक को एक स्पेसशिप नजर आता है जो कि उनके प्लैनेट के करीब आ रहा था। बारडॉक देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रीजा था, और वो प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी था। फ्रीजा को देख बारडॉक जल्द से जल्द गोकू को एक स्पेस पॉड के अंदर रखकर जीने के साथ जाने लगता है और कहता है कि कैकरॉट तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा, एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं रहूँगा, बट आई प्रॉमिस अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। तुम्हें जिंदा रहना ही होगा कैकरॉट, तुम हम सेंस की आखिरी उम्मीद हो। उसके बाद गोकू को प्लैनेट अर्थ के लिए भेज दिया जाता है, एंड देन बारडॉक फ्रीजा के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। सारे के सारे सेंस फ्रीजा को देखकर काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए बारडॉक अकेले ही फ्रीजा से जाकर फाइट करने लगता है अपने प्लैनेट को बचाने के लिए। लेकिन बारडॉक के लाख कोशिशों के बावजूद वो फ्रीजा को रोक नहीं पाया, और फ्रीजा ने बारडॉक के साथ प्लैनेट वेजिटा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बारडॉक के मरने से पहले उसके आखिरी शब्द ये थे कि कैकरॉट तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर बारडॉक प्लैनेट वेजिटा के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हमें प्लैनेट अर्थ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी शांत था। तभी किसी एक जगह पर एक स्पेस पॉड लैंड होता है। उस स्पेस पॉड से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। तभी ग्रैंडपा गोहान उस आवाज़ को सुनकर उसके तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक स्पेस पॉड में था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस बच्चे का देखभाल करेंगे और उस बच्चे का नाम गोकू रखते हैं। ग्रैंडपा गोहान को ये रियलाइज होता है कि गोकू बाकी के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उसे मास्टर रोशी के पास लेकर चले जाते हैं। गोकू के पावर्स को देख मास्टर रोशी भी चौंक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें ट्रेन करेंगे और उसे उसकी पावर्स पर कंट्रोल लाना सिखाएंगे। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं और ग्रैंडपा गोहान तब भी जिंदा थे, क्योंकि गोकू कभी अपने ग्रेट एप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ और उसने कभी ग्रैंडपा गोहान को मारा ही नहीं। गोकू काफ़ी शांत और समझदार बच्चा बन चुका था क्योंकि ग्रैंडपा गोहान ने उसे अपने लाइफ के सब कुछ जो जो गोकू को सिखाना था वो सब सिखा चुके थे। इन दी मीन टाइम गोकू मास्टर रोशी से कामेहामेहा वेव भी सीख चुका था। धीरे धीरे गोकू के पावर्स और भी बढ़ रही थी, और समय के साथ गोकू कई सारे कैरेक्टर्स से मिलता है जैसे बुलमा, यामचा और भी कई सारे कैरेक्टर्स, और देखते देखते वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। गोकू उस टूर्नामेंट में पार्ट लेता है और उस टूर्नामेंट का पहला चैंपियन बनता है जो कि सिर्फ 6 साल का था। मास्टर रोशी, ग्रैंडपा गोहान हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश थे गोकू को लेकर। उसके बाद मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि अब उसे एक एडवेंचर पर जाना चाहिए ताकि वो बाहर के दुनिया को और भी अच्छे से जान सके। मास्टर रोशी के कहने के मुताबिक गोकू एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। गोकू के एडवेंचर में उसके साथ काफ़ी कुछ होता है, और एक दिन अचानक से गोकू को अपने फादर का चेहरा याद आता है और उन्होंने उसे क्या कहा था वो सब एक और बार गोकू के चेहरे पर झलकने लगता है। आई एम सॉरी कैकरॉट, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं रह सकता, बट आई प्रॉमिस कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। इसके बाद गोकू को याद आ जाता है कि बारडॉक और जीने उसके पेरेंट्स हैं और उन्होंने कहा था अगर वो सर्वाइव करेंगे तो वो लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए, इसका मतलब वो लोग सर्वाइव नहीं कर सके। तभी गोकू कहता है शायद मैं इन्हें ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक और साल के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद गोकू दोबारा से वापस अपने ग्रैंडपा गोहान के पास जाने लगता है ये पूछने के लिए कि वो गोकू से मिले कैसे। ग्रैंडपा गोहान के पास पहुंचने के बाद गोकू उनसे पूछता है, लेकिन ग्रैंडपा गोहान उसे बताने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद गोकू बता देता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और वो ड्रैगन बॉल्स के जरिए क्या करना चाहता है। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा गोहान गोकू को सब कुछ बता देते हैं कि वो गोकू से कैसे मिले, और वो ड्रैगन बॉल्स की मदद से गोकू के पेरेंट्स को रिवाइव करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनने के बाद गोकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब वो सब दोबारा से साथ रह सकते हैं। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है और गोकू सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो लोग शेनरॉन को समन करते हैं। शेनरॉन के आने के बाद शेनरॉन कहते हैं कि वो ड्रैगन शेनरॉन है, और वो गोकू से उसकी विश पूछने लगते हैं। इसके जवाब में गोकू कहता है सुनो शेनरॉन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स को वापस ले आएँ, वो भी यहाँ पर अर्थ पर। ऐसा सुनते ही शेनरॉन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग मर चुके हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें दोबारा से जिंदा कर दो। ये सुनने के बाद शेनरॉन कहता है कि वो ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि उन दोनों को मरे हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, और शेनरॉन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के पहले मरे हुए लोगों को ही जिंदा कर सकता है।
इसलिए उन दोनों को वापस लाना शेनरॉन के बस में नहीं है। ऐसा सुनने के बाद गोको काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। लेकिन तभी शेनरॉन कहता है कि ये करना उसके बस में नहीं है, लेकिन प्लैनेट नेमेक के ड्रैगन बॉल से शायद उसके पेरेंट्स को वापस लाया जा सकता है। ऐसा कहकर शेनरॉन दोबारा से पूरे अर्थ पर बिखर जाता है। इसके कुछ देर बाद पोपो नाम का एक आदमी आकर गोकू से कहता है कि अर्थ के गार्डियन उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद गोकू अर्थ के गार्डियन कामी से मिलने चले आता है। वहां पहुंचकर कामी गोकू से कहते हैं कि वो गोकू को ट्रेन करेंगे ताकि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल ला सके। गोकू शुरू में कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो बाद में कामी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए राजी हो जाता है। कामी को गोकू के बारे में पता था, जिसके चलते वो गोकू को ट्रेन करने लगते हैं। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। गोकू की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम उसने गोहान रखा था। एक दिन अर्थ पर एक स्पेस पॉट लैंड होता है जिसमें से रैडिट्स बाहर आता है और वो कहता है तो ये है प्लैनेट अर्थ जहाँ पर कैकरॉट को भेजा गया था। ऐसा कहकर वो अपने स्काउटर का यूज़ करते हुए गोकू को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे दूर दो स्ट्रॉन्ग पावर लेवल्स नज़र आते हैं, लेकिन वो दोनों रैडिट्स के लिए काफ़ी कमज़ोर थे। इसलिए वो कहता है क्या कैकरॉट का पावर लेवल सिर्फ 600 है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो एक लेजेंडरी सुपर सैन बनकर पैदा हुआ था और उस समय उसकी पावर लेवल 900 से भी ज़्यादा थी। ऐसा कहकर रैडिट्स उस पावर लेवल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू और बाकी सब मास्टर रोशी के वहाँ होते हैं और गोकू सेंस करता है कि पावरफुल बंदा उनके तरफ आ रहा है। गोकू के ऐसा कहते ही रैडिट्स मास्टर रोशी के आइलैंड पर पहुँच जाता है। रैडिट्स को देख हर कोई बाहर आ जाता है और रैडिट्स कहता है तो फाइनली तुम मुझे मिल गए कैकरॉट। कैकरॉट? लेकिन मेरा नाम तो गोकू है। अरे हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि तुम तो बहुत छोटे थे जब तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था। तुम्हारा असली नाम कैकरॉट है और तुम एक सैयन हो मेरी तरह। और एक बात, तुम इतना कमज़ोर कैसे हो गए? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो ये सब, और मेरा नाम गोकू है। कम ऑन कैकरॉट, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सब क्या कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, और जबकि हम दोनों एक ही प्लैनेट से हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैकरॉट, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या, मेरे भाई? हर कोई रैडिट से कहने लगता है कि गोकू उनके साथ ही रहेगा, वो रैडिट्स को गोकू को अपने साथ ले जाने नहीं देंगे। ऐसा सुनते ही रैडिट्स जाकर ग्रैंडपा गोहान को एक थप्पड़ मारता है, जिसके चलते गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। रैडिट्स गोकू की पावर्स को देख काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है तो यह सच है, तुम एक लेजेंडरी सुपर सैयन हो कैकरॉट। उसके बाद गोकू जाकर रैडिट्स को अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन रैडिट्स उससे माफ़ी मांगने लगता है और जाकर ग्रैंडपा गोहान से भी माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद रैडिट्स जाकर गोकू के गले लग जाता है और गोकू को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। रैडिट्स की बातें सुनकर गोकू पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद गोकू रैडिट्स को अपना प्लान बताता है कि वो अपने पेरेंट्स को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। ऐसा सुनकर रैडिट्स भी गोकू की मदद करने के लिए वहाँ पर अर्थ पर रुक जाता है। इसके बाद रैडिट्स धीरे धीरे सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। मीनवाइल वहीं दूर किसी एक प्लैनेट पर, तो उस रैडिट्स का कम्युनिकेशन टूट गया। ऐसा लगता है कि उस कैकरॉट ने उसे मार दिया। कितनी शर्म की बात है कि वो एक लो क्लास सैयन से हार गया। कम्युनिकेशन कटने से पहले मैंने ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ सुना था, इसलिए अब हम अर्थ पर जाएंगे, चलो नापा। ऐसा कहकर वेजिटा और नापा अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। एक दिन अचानक से दो स्पेस पॉड अर्थ पर लैंड होते हैं। गोकू और बाकी सब कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन रैडिट्स समझ जाता है कि वेजिटा और नापा अर्थ पर आ चुके हैं। इसके बाद गोकू और बाकी सब वेजिटा और नापा की तरफ जाने लगते हैं। रैडिट्स को जिंदा देख वेजिटा कहता है तो तुम जिंदा हो रैडिट्स, लगता है तुम्हारे भाई को देख तुम्हारा मन बदल गया है, लेकिन वैसे भी और कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारी और कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए या तो तुम हमें ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताओ या फिर मरो। ऐसा कहकर वेजिटा रैडिट्स पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोकू उसका रास्ता रोक लेता है और रैडिट्स के बदले फाइट करने लगता है। कुछ देर तक फाइट करने के बाद वेजिटा देखता है कि वो गोकू से बहुत बुरी तरह से हार रहा है और कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, कैकरॉट एक लो क्लास सैयन है, वो मुझे कैसे हरा सकता है? तभी रैडिट्स कहता है क्या बात है वेजिटा, कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस, और हाँ कैकरॉट कोई लो क्लास सैयन नहीं है, वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो एक लो क्लास सैयन है और मैं अभी उसे हरा दूंगा। ऐसा कहकर वेजिटा अपने पूरी पावर्स को यूज़ करते हुए गोकू पर अटैक करने लगता है, लेकिन गोकू पर उसका कोई असर नहीं होता। ऐसा देख वेजिटा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने उजारो फॉर्म का यूज़ करके गोकू पर अटैक करने लगता है। वेजिटा के उजारो फॉर्म के साथ फाइट करने के दौरान गोकू को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, लेकिन गोकू अपने पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है, जिसके चलते वेजिटा को उसके सामने हार मानना पड़ा और वो कहता है तो इसका मतलब यह सच है कि तुम एक लेजेंडरी सुपर सैयन हो, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, मैं जानता था कैकरॉट कि तुम उसे हरा दोगे, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसके बाद वेजिटा गोकू के साथ ज्वाइन हो जाता है और गोकू वेजिटा से सब कुछ बता देता है कि वो ड्रैगन बॉल्स के जरिए क्या करने वाला है,
और अब उन लोगों के पास एक और मिशन आ चुका था गोको के पेरेंट्स को रिवाइव करने के अलावा, कि अब वो लोग फ्रीजा से उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उससे बदला लेंगे। वेजिटा सोचता है कि अब फ्रीजा को मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब गोको उनके साथ है, जो कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। इसके बाद सब लोग प्लैनेट नेमक पर जाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल्स के जरिए गोको के पेरेंट्स को दोबारा से रिवाइव कर सके। इसलिए बुलमा एक स्पेसशिप बनाती है और वो प्लैनेट नेमक के लिए निकल पड़ते हैं। प्लैनेट नेमक पर पहुंचने के बाद वो लोग ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से फ्रीजा भी प्लैनेट नेमक पर आ जाता है। फ्रीजा को पता नहीं था कि वेजिटा और बाकी सब भी प्लैनेट नेमक पर थे, लेकिन प्लैनेट नेमक पर लैंड होते ही फ्रीजा को वेजिटा और बाकियों की सेंस हो जाती है और वो तुरंत उनके तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरे तरफ वेजिटा को भी सेंस हो जाता है कि फ्रीजा उनके तरफ आ रहा है। फ्रीजा के पावर्स को सेंस करके डेंडे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो फ्रीजा को उनके प्लैनेट को नुकसान पहुँचाने ना दे। गोको उनकी बात मान लेता है और जाकर फ्रीजा से फाइट करने लगता है। गोको और फ्रीजा का फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। एक समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि फ्रीजा गोको को हरा देगा, लेकिन ऐसा ज़्यादा देर के लिए नहीं लगता है, क्योंकि गोको अपने पावर्स को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देता है कि फ्रीजा को गोको से फाइट करने में प्रॉब्लम होने लगा। और फाइनली गोको एक पावरफुल कामेहामेहा करता है, जिसके चलते सब कुछ धूल से भर जाता है और फ्रीजा गायब हो चुका था। ऐसा देख वेजिटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या करॉट, फाइनली तुमने कर दिया, तुमने फ्रीजा को हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फ्रीजा मर चुका है। इसके बाद सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और डेंडे आकर गोको का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और कहते हैं कि गोको को ड्रैगन बॉल्स के जरिए जो मिश मांगना है वो मांग सकता है। इसके बाद गोको जाकर सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद डेंडे ड्रैगन बॉल्स के जरिए पोरुंगा को समन करते हैं। पोरुंगा के अपीयर होने के बाद वो गोको से कहते हैं कि वो गोको के 3 विशेष को पूरा कर सकते हैं। ऐसे सुनते ही गोको कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स बारडॉक और जीने को दोबारा से जिंदा कर दें। ऐसा सुनते ही पोरुंगा कहते हैं कि इस विश को पूरा करने के लिए उन्हें 2 विशेष को यूज़ करना होगा। गोको कहता है, ठीक है, तो मेरा आखिरी विश ये है कि आप उन्हें यहाँ इस प्लैनेट पर ले आएँ। ऐसे सुनते ही पोरुंगा अपने पावर्स का यूज़ करते हुए गोको के विश को पूरा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। गोको देखता है कि उसके पेरेंट्स बारडॉक और जीने दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। बारडॉक, क्या हम दोबारा से जिंदा हो चुके हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कहते ही वो दोनों दाएं तरफ मुड़ते हैं और वो देखते हैं उनके बेटे गोकू और रेडिट्स। उन दोनों को देख बारडॉक कहता है, जीने, क्या तुम वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या करॉट, रेडिट्स। उन दोनों को देख बारडॉक और जीने उनके गले लग जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। तभी रेडिट्स उन्हें बताता है कि वो कैकरॉट है जिसने उन्हें दोबारा से जिंदा किया है और वही है जिसने फ्रीजा को हराया है। ऐसा सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा गर्व होने लगता है। तभी बारडॉक कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने सालों बाद दोबारा से अपने फैमिली के साथ हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक की ब्लास्ट गोको की तरफ आने लगता है, लेकिन पिकोलो गोको को वहाँ से हटाकर खुद उस ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं। सब लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें फ्रीजा नजर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में होता है। फ्रीजा को देख गोको कहता है, क्या फ्रीजा, वो जिंदा कैसे है? मुझे लगा था कि मैंने उसे मार दिया। बारडॉक भी फ्रीजा को देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी फ्रीजा कहता है, और अब मैं तुम सबको दोबारा से मिटा दूंगा, यू डैम सेयंस। ऐसा कहकर फ्रीजा दोबारा से एक अटैक करता है, जो कि जाकर रेडिट्स को लगता है। और फ्रीजा बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेडिट्स को गोको के आंखों के सामने मार देता है। अपने भाई की मौत को देख गोको अपना पूरा होश खो बैठता है। वहीं बारडॉक गुस्से में पावर अप करके फ्रीजा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि गोको अजीब सा बर्ताव कर रहा है